बड़वानी, इस वक्त बारिश का मौसम चल रहा है और अगस्त माह होने के बावजूद कई तालाब नदियां सूखी नजर आ रही हैं। वरला बलवाड़ी क्षेत्र में कम बारिश की वजह से किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी बारिश हुई है। पिछले वर्ष जहां इस समय तक 372.8 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, वहीं इस वर्ष 407.0 मिलीमीटर वर्षा हुई है। वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार गत वर्ष अगस्त व सितंबर और अक्टूबर में भी अच्छी बारिश हुई थी और इस बार भी इन महीनों में उन्हें अच्छी बारिश की आशा है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि सभी ब्लॉकों में सामान्य बारिश हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के अपने दावे जरूर है, लेकिन अगस्त माह शुरू होने के बावजूद नदी तालाबों में वह पानी नज़र नहीं आ रहा जो होना चाहिए था, जिसके चलते आम आदमी और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही है। वरला क्षेत्र के किसान कहते हैं कि इस साल पानी बहुत कम है, सोयाबीन मर रही है, इसलिए कुएं से पानी लाकर उसे बचा रहे हैं, क्योंकि नदी नालों में पानी बिल्कुल नहीं है, इसलिए कुएं से पानी लेकर उसे जिंदा रख रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि 15-15 दिन तक पानी नहीं आ रहा, इससे फसलें मर रही है। सभी फसलों को पानी की बेहद ज़रूरत है, नहीं तो फसलों को जिंदा रख पाना मुश्किल हो जाएगा। सर, पानी नहीं आया, बहुत कम पानी है, तो सोयाबीन मर रही थी, कुएं से पानी देके बचा रहा था। अभी तक नदी नाला पानी नहीं है, इसलिए वो पानी कुएं से भर भर के जिंदगी कर रहा। सोयाबीन, मक्का, ये दोनों तीनों फसल का ज्यादा जरूरत है पानी। अभी तक पानी नहीं गिर रहा। जुवार, बाजरे, हर फसल मार खाई रहा, बहुत कम पानी गिरा। 15-15, 20-20 दिन में पानी गिर रहा, किधर मिधर गिर रहा। अपने यहाँ तो पानी भी नहीं थे। जिला बड़वानी अंतर्गत इस बार जो वर्षा हुई है वो शुरुआत के जो हमारे रेनी सीज़न होता है जून और जुलाई में अच्छी बारिश हुई है। पिछले सीज़न का मुकाबले करें तो पिछले वर्ष हमारे यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अच्छी बारिश हुई थी सभी ब्लॉकों में लेकर के। तो अभी भी यही आशा है कि आने वाले जो समय में, जो महीना है हमारा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में, अच्छी बारिश होगी। अगर हम कंपैरिजन में जाएं तो पिछले साल इस वक्त तक लगभग 372.8 मिलीमीटर पूरे ज़िले में वर्षा हुई थी, और इस साल के कंपैरिजन में देखा, क्योंकि हमारी बारिश जो है जून और जुलाई में हो चुकी थी, लगभग 407.0 जो है मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। इसमें भी हमारा जो ब्लॉक है, पानसेमल है, निवाली है, इसमें काफ़ी अच्छी जो है बारिश देखने को मिली हुई है। और इसके कंपैरिजन में इस बार एक विशेष चीज़ ये है कि अंजड़ जो तहसील में कभी भी वहाँ पर वर्षा मापी केंद्र नहीं था, वो इस साल हमने स्थापित कराया और वहाँ पर भी वर्षा का जो है मेजरमेंट लेना हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर देखा जाए कि तो वर्तमान में सभी ब्लॉकों में वर्षा की स्थिति सामान्य है और अच्छी बारिश हुई, मतलब पिछले कंपेरिजन में वर्षा से ज़्यादा ही बारिश हुआ है। सेगांव, बरसात की लंबी खींचतान को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। कहीं पुतले की शव यात्रा निकाली जा रही है, तो कहीं मंदिरों में देवताओं को गोबर और पानी से ढका जा रहा है, तो वहीं दूध घी की धार भी नगर सीमाओं पर फेरी जा रही है। इसी के चलते सेगांव में लोगों द्वारा नया प्रयोग देखने में आया, जिसमें एक पुरुष द्वारा रात्रि में महिला का भेष धारण कर घर घर जाकर पानी व रोटी मांग रहा है। वहीं किसान सुरेश यादव ने बताया कि पुरानी परंपराओं के अनुसार अच्छी बारिश के लिए इस तरह के टोने टोकटे करने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है। अब आगे देखते हैं ईश्वर की क्या इच्छा है। लोगों द्वारा क्या क्या जतन किए जा रहे हैं क्षेत्र में? बारिश को लेकर 15-20 दिनों से बारिश नहीं हो रही है और लोग कई तरह के टोने टोटके कर रहे हैं पानी के लिए। कल भी एक पुरुष महिला बनकर घर घर पानी और रोटी मांग रहा था, इससे पानी इंद्र देवता को मनाने के लिए ऐसे टोटके चल रहे हैं।